एक शख्स मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास रिस्क बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरे रिस्क में कमी हो जाए। तो मौला ने मुस्करा कर जवाब दिया, ऐ शख्स, खाने में चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करो। वो शख्स चला गया और कुछ ही देर बाद एक और शख्स मौला की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा, या अली, मेरे पास रिस्क बहुत कम है, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरे रिस्क में इजाफ़ा हो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस शख्स को भी खाने में चावल का ज़्यादा इस्तेमाल का हुक्म दिया। इस शख्स ने मौला से इजाज़त ली और चला गया। जनाब सलमान ने मौला से अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, आपने पहले को भी चावल इस्तेमाल करने का हुक्म दिया जबकि उसके पास रिस्क बहुत ज़्यादा था, और दूसरे शख्स को भी चावल इस्तेमाल करने का हुक्म दिया जबकि उसके पास रिस्क की कमी थी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुस्करा कर कहा, ऐ सलमान, जब पहला शख्स चावल पकाएगा तो वो इस्तेमाल कम और ज़्यादा करेगा, तो इस वजह से उसके रिस्क में कमी आएगी, और दूसरा जिसके पास रिस्क बहुत कम है वो इतना ही इस्तेमाल करेगा जितना उससे ज़रूरत होगी और इसके रिस्क में इजाफ़ा होगा। मज़ीद वीडियो के हसूल के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नाचीज़ को शकील कैसर कहते हैं, और दोस्तों आपको क्या कहते हैं नीचे कमेंट में लिख कर बताएं। और अगर मेरी वीडियो आपके दिल पर दस्तक देती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और साहब, अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह आप सबको हामी और नासिर हो। खुदा आप सबको अपनी पनाह में रखे। खुदा हाफिज़।